हेलो फ्रेंड्स, राम राम सा, जय श्री कृष्णा। मेरा नाम एकता, आप देख रहे हैं राजस्थान की एकता के चैनल। फ्रेंड्स, तो आज मैं आपके सामने कुछ स्पेशल सब्जी लेकर आई जो कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो वो है शिमला मिर्ची और आलू की बहुत ज़्यादा टेस्टी हल्की ग्रेवी वाली सब्जी। फ्रेंड्स, तो कैसे बनाते हैं पूरा इस वीडियो के अंदर मैं आपको तरीका बताने वाली हूँ, तो वीडियो को पूरा देखिए शुरू से लेकर एंड तक। तो चलिए सबसे पहले सामान बता दें, फिर जल्दी से जल्दी बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शिमला मिर्ची और आलू की बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट सब्जी बनाने के लिए जो सामान लगने वाला है, यहाँ पे सारा सामान एक साथ बता देती हूँ। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे लिया है मैंने यहाँ पे शिमला मिर्ची, जिसको अच्छे से 2-3 बार धो के और इस तरह से चौकोर चौकोर कट कर लिया है। यहाँ पे 3 आलू लिए, जिसको छिल के और इस तरह से कट करके फिर पानी में डाल रखा है ताकि काले नहीं पड़े। लहसुन, जीरा, गरम मसाला, कसूरी मेथी, यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने लिए 2 सूखी मिर्ची जिसको तोड़ लिया है, 2 तेज पत्ते जिसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया, 1 दालचीनी का टुकड़ा, मिर्ची मसाले में फ्रेंड्स मैंने लिया 1 बड़ा चम्मच मिर्ची का, 1 चम्मच धनिया पाउडर का, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर का, नमक स्वाद अनुसार। यहाँ पे फ्रेंड्स लिया है मैंने 3 बड़े प्याज, इसको बड़े बड़े कट किए मैंने, क्योंकि अपन को इसको ग्रेवी बनानी है तो वैसे भी, तो इसलिए बड़े बड़े कट किए। यहाँ पे 2 हरी मिर्ची लिए, साथ में टमाटर लिए जिसको भी मैंने यहाँ पे बड़े बड़े कट किए, क्योंकि इनको सबको पीसेंगे अपन ग्रेवी के लिए। तो चलिए इन थोड़े से सामानों से बहुत ज़्यादा सॉरी सब्जी बनके तैयार होने वाली है, तो चलिए जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर लेते हैं बनाना। तो यहाँ पे फ्रेंड्स गैस पे मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, अब इसके अंदर डालेंगे अपन 1 बड़ा चम्मच तेल। आलू और मिर्ची को अपन इसके अंदर हल्का हल्का पकाएंगे, इसलिए 1.5 चम्मच ले लेंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स तेल अच्छे से गर्म हो चुका है, मैंने आलू को एक छलनी में निकाल लिया था ताकि इसका पानी जो है निकल जाए। तो अब आलू डालते हैं इसके अंदर, तो बस इस तरह से आलू को चलाते हुए पकाएंगे और कम से कम 5 से 6 मिनट में अच्छे से हल्का ब्राउन कलर आ जाएगा इनके अंदर। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आलू को चलाते हुए मुझे 4 से 5 मिनट हो चुका है, और आलू को कंटिन्यू चलाते रहना वरना ये तले में जो है चीकने लग जाते हैं। ये देखिए सॉफ्ट भी हो चुके हैं आलू और अच्छा पैन में हल्का ब्राउन कलर भी आ चुका है। तो इससे गैस को धीरे करके वो सारे आलू को अपन एक प्लेट में निकाल लेंगे, बस इस तरह से एक्स्ट्रा ऑयल को जानना है। मैंने इस तरह का ही चम्मच लिया है ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल इसके अंदर ही निकल जाए। तो यहाँ पे फ्रेंड्स सारे आलूओं को मैंने निकाल लिया एक प्लेट के अंदर, अब इसके अंदर डाल देंगे, गैस धीरे ही अभी, और इसी तेल के अंदर डाल देंगे अपन शिमला मिर्ची। शिमला मिर्ची आलू ये आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो शिमला मिर्ची जो है फ्रेंड्स 1 से 1.5 मिनट में हल्की हल्की सॉफ्ट हो जाएगी, ज़्यादा इनको सॉफ्ट नहीं करना है, ज़्यादा इनका कलर चेंज नहीं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मुझे 1 से 1.5 मिनट हो चुका है चलाते हुए, अब अपन इसको निकाल लेते हैं। यहीं पे वापस गैस को धीरे करके शिमला मिर्च को भी अपन एक बाउल के अंदर निकाल लेते हैं। मैंने यहाँ पे गैस को धीरे कर दिया है, तो शिमला मिर्ची को भी निकाल लिया मैंने एक बाउल में, और यहाँ पे तेल मैंने पहले से ही ज़्यादा लिया था फ्रेंड्स। तो अब इसके अंदर अपन डालेंगे जो प्याज और हरी मिर्ची अपन ने काट के रखी थी, अब डाल देंगे इसके अंदर लहसुन, बस चलाते हुए हल्का इनको सॉफ्ट कर लेंगे। प्याज जल्दी से ही सॉफ्ट हो जाता है फ्रेंड्स, इनमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तेल अपना पहले से गर्म था। तो यहाँ पर फ्रेंड्स प्याज का अच्छा सा कलर चेंज हो चुका है, अब इस पे डाल देंगे अपन टमाटर। टमाटर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और सॉफ्ट होने तक इसको पकाएंगे। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से इनको मिक्स कर दिया, अब इसको थोड़ा सा ढक के पका लेंगे। तो इसको अपन यहाँ से 1 से 1.5 मिनट के लिए ढक के पका लेंगे टमाटर सॉफ्ट होने तक। तो 1 से 1.5 मिनट हो चुका है टमाटर को ढके हुए, मैंने बीच में एक बार चला लिया था, और ये देखिए टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। तो एक बार इसको चला लेंगे और अब कर देंगे गैस को बंद। तो फ्रेंड्स इसको ठंडा करके फिर मिक्सी के जार के अंदर डालेंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स प्याज टमाटर लहसुन को अच्छे से इनको ठंडा करके इसके बाद में मैंने इसके अंदर जार के अंदर डाल लिया है, अब इसको बिल्कुल पीस लेंगे, बिल्कुल पानी नहीं डालेंगे और बिल्कुल गाढ़ा पेस्ट। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने पीस के पेस्ट बना लिया, आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स हल्का हल्का दरदरा रखा है मैंने इसे, बहुत ही अच्छा सब्जी के अंदर टेक्सचर आता है, तो आप जरूर हल्का हल्का दरदरा रखिएगा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स फिर से गैस पे मैंने कढ़ाई चढ़ा दी, अब इसके अंदर अपन डाल लेंगे ऑयल। तो अब 1 चम्मच ऑयल ले लेंगे, ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेंगे। तो यहाँ पे तेल गर्म हो चुका है फ्रेंड्स, अब इसके अंदर डाल देंगे अपन जीरा, तेज पत्ता, दालचीनी का टुकड़ा, लाल मिर्ची,
जीरा अच्छे से हल्का ब्राउन हो चुका है। अब इसके अंदर अपन ऐड कर देंगे सूखी मिर्ची मसाले। तो आप गैस को थोड़ा धीरे कर दीजिएगा ताकि मसाले जो हैं जले नहीं। तो इसके अंदर मिर्ची मसाले ऐड कर देंगे। थोड़ा गैस को धीरे करके अच्छे से मसालों को पका लें। तो यहाँ पे मिर्ची मसाले पक चुके हैं अच्छे से। अब इसके अंदर अपन जो ग्रेवी बना के तैयार की थी वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब अच्छे से इनको पका लेंगे, मिक्स कर लेंगे और अच्छा सा तेल छोड़ने तक अच्छा सा इनको पका लेंगे। थोड़ा गैस को धीरे करके अच्छा सा पकाएंगे ग्रेवी को। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, मैंने ग्रेवी को अच्छे से चलाते हुए 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से पका लिया इसको, थोड़ा गैस के धीरे करके, और इसने तेल भी छोड़ दिया। तो अब इस तेल पर अपन इसके अंदर डालेंगे बाकी बचे हुए मसाले। तो यहाँ पे मैं इसके अंदर डाल दूँ 1/2 चम्मच गरम मसाला और 1/2 चम्मच कसूरी मेथी। दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसके अंदर डाल देंगे अपन आलू और मिर्ची। तो यहाँ पे आलू डाल देंगे। इनको अब ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ये पहले से ही पके हुए हैं। और डाल देंगे साथ में शिमला मिर्ची। तो दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे ग्रेवी के अंदर। तो मैंने गैस से पहले से हल्का हल्का गुनगुना पानी कर लिया था। तो इसके अंदर थोड़ा पानी ऐड करेंगे फ्रेंड्स अपन। आप अपने हिसाब से ग्रेवी पतली या ज़्यादा गाढ़ी कर सकते हैं। तो इसमें आपको हल्का गुनगुना पानी डालना है। मैंने मिक्सी के जार के अंदर थोड़ा सा पानी लिया है। मैं यहाँ पे थोड़ी पतली ग्रेवी रखूँगी। तो पानी डालने के बाद में मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया। और अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, को ढक के पका लेंगे ताकि सभी मसाले अच्छे से आलू और मिर्ची के अंदर सेट हो जाए। अच्छे से उबाल आने तक इसको पकाएंगे कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए। और बीच में आप 1-2 बार चला लेना फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स चेक कर लेते हैं। वाह, ये देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा इसके अंदर कलर आया और अच्छे से सेट हो चुकी है ये सब्ज़ी। और अपनी सब्ज़ी बनके तैयार हो चुकी है। तो अब इसके अंदर फ्रेंड्स डाल देंगे अपन गर्मा गर्म सब्ज़ी के अंदर हरा धनिया। तो इस तरह से नए तरीके से बना के अपन खाएंगे तो बहुत ही मज़ा आएगा सब फ्रेंड्स। तो कैसी लगी आज की रेसिपी से भी ज़रूर बताना। अब धनिया को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से अपने शिमला मिर्ची और आलू की सब्ज़ी कितनी अच्छी बन के तैयार हो चुकी है। बहुत ही स्वादिष्ट लगती है फ्रेंड्स, इस तरह से आप ज़रूर बना के खाना। ये देखिए वाह, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से अभी। लीजिए फ्रेंड्स, बनके तैयार हो चुकी है अपनी बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट शिमला मिर्ची और आलू की बहुत ही टेस्टी सब्जी। कैसी लगी आज की रेसिपी ज़रूर कमेंट के अंदर बताना। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, सलाम सा, जय माता दी।